हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में, नए मेरे चैनल में। तो भाई आज वापस से निकल चुके हैं 24 नवंबर 2024 को। अभी टाइम हो रहा है दिन के 12:30 बजे और भाई आज आपको वापस से एक बहुत बढ़िया सा अपडेट देंगे जी कि भाई कैसा मौसम है अटल टनल के पास, सोलांग वैली के पास और उसको क्रॉस करके कैसा कुछ वेदर रहने वाला है। तो आपको एक अपडेट देंगे भाई कल स्नोफॉल के बाद कैसा कुछ मौसम है। और पहाड़ों पे आप देख रहे होगे भाई सामने स्नोफॉल कैसे गिरी हुई है। ये देखो जी, ये देखो भाई आपके सामने है कितनी स्नोफॉल हो रखी है भाई, देखो। तो भाई अभी हम मनाली में हैं। मनाली से आपको जैसा कि पता ही है अटल टनल तक का डिस्टेंस है 27 किलोमीटर्स। और आज 24 नवंबर के दिन अभी टेम्परेचर है भाई लगभग 13 डिग्री सेल्सियस। और भाई जो कल 23 नवंबर के दिन जो स्नोफॉल हुआ रोहतांग पास में, देखने वाले नज़ारे थे यार, इतना खूबसूरत रोहतांग पास के नज़ारे थे कल के दिन। और अटल टनल के पहले ही स्नोफॉल, हल्का हल्का स्नोफ्लेक्स गिरना स्टार्ट हो गई थी। आप देख सकते हो भाई सामने, ये कल तक, परसों तक यहाँ पे बिल्कुल भी कोई स्नोफॉल नहीं था, बर्फ नहीं थी पहाड़ों पे। आज देखो भाई पूरे के पूरे मौसम एकदम चेंज हो गया है, बर्फ आ चुकी है भाई पहाड़ों पे। अभी हम भाई पहुँच चुके हैं नेहरू कुंड। तो भाई मेरी पिछली वीडियो को आपने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है भाई, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और बहुत लोग मेरे साथ जुड़े भी हैं, ऐड हुए हैं, आप सब लोगों को भाई थैंक यू यार, आप लोग सपोर्ट करते हो इतना। उम्मीद करता हूँ भाई बहुत लोगों ने जो मेरी वीडियो देखी होगी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया होगा वो नज़ारे। और बहुत लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं कि भाई अटल टनल कोई क्लोज तो नहीं हुई। देखो भाई अटल टनल तो क्लोज नहीं हुई है, अभी मैं वहीं तक जा रहा हूँ। रोहतांग पास अभी तक बंद नहीं हुआ है, बहुत लोगों के कॉमेंट है कि भाई रोहतांग पास बंद तो नहीं हुआ या फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है, कोई बंद तो नहीं हुआ। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, बंद वगैरह बिल्कुल भी नहीं हुआ है, अभी इट इज़ स्टिल ओपन भाई, आप आ सकते हो, घूम सकते हो। और एक और अलर्ट है भाई 29 और 30 तारीख, मतलब कमिंग फ्राइडे और सैटरडे फिर से भाई हाई अलर्ट बताया हुआ है रोहतांग पास की तरफ। तो उस दिन खुला होगा रोहतांग पास भाई, मैं वापस से एक बार आपके लिए कवर करूँगा रोहतांग पास जाके, हो सकता है भाई वापस से स्नोफॉल हो। अगेन 40-50% का हाई अलर्ट बताया हुआ है स्नोफॉल का, पर भाई देखो क्या होता है कैसे होता है, आपके लिए कवर करेंगे। अगर आप 30 नवंबर से पहले अगर आप आ रहे हो तो भाई आपको शायद स्नोफॉल देखने को मिल सकता है, जैसे कि कल भी बहुत लोगों की किस्मत अच्छी होती है। देखो जी आपको पता है किस्मत अच्छी हो तो भाई स्नोफॉल होता है। उससे पहले मैं कितनी बार अटल टनल तक गया हूँ, सिसु तक गया हूँ और रोहतांग पास तक गया हूँ, सिर्फ इस चक्कर में कि भाई आपको स्नोफॉल दिखा दूँ। लेकिन बहुत बार ऐसे भाई कि बहुत बार बहुत अच्छा मौसम बना और बट स्टिल फिर भी कोई स्नोफॉल हुआ नहीं। लेकिन भाई कल जब हम गए तो मौसम कुछ ऐसा ही बन गया, धुंडी ब्रिज के आसपास ही अटल टनल से पहले ही जो भाई मौसम बन गया, और तो भाई स्नोफॉल आपके हल्के हल्के स्नोफ्लेक्स गिरे, फिर स्नोफॉल चालू हो गया जैसे कि मैंने आपको प्रॉपर वीडियो बना के दिखाया था। तो भाई ऐसा ही रहता है यहाँ पहाड़ों का, तो आपको पता है मौसम बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल होता है कि भाई कुछ पता नहीं होता, कभी भी बारिश हो जाती है कभी भी। और मनाली में भी कल काफ़ी ज़्यादा ठंड थी भाई रात को, दिन में बारिश यहाँ पे भी हुई थी भाई, और लो भाई जाम भी लग चुका है। तो भाई यही मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप 30 से पहले आ रहे हो तो भाई फ्राइडे सैटरडे का फिर से अलर्ट है, तो आप आ रहे हो तो भाई हो सकता है कि वापस से स्नोफॉल हो और मैं आपके लिए कवर करूँ। और बाकी रोहतांग पास अटल टनल अभी तक तो भाई क्लोज़ नहीं हुआ है, आप आ सकते हो। अटल टनल तक तो खैर मैं आज जाऊंगा और रोहतांग पास भी अभी तक ओपन क्लोज़ नहीं हुआ है, क्योंकि रीज़न ये है स्नोफॉल हुआ, ये इतना स्नोफॉल था कि आज जैसे धूप निकल गई तो आज वो बर्फ़ टिकेगी नहीं, आज सारी की सारी पिघल जाएगी, इतना ही स्नोफॉल था। हालांकि हुआ अच्छा खासा था, लेकिन ये है कि क्लोज़ नहीं होगा अटल टनल या फिर रोहतांग पास। तो आप आ सकते हो भाई, बिल्कुल घूम सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। बाकी अगर आप मनाली आ रहे हो तो भाई नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो कॉटेज बुकिंग के लिए, और अगर आप लॉन्ग स्टे के लिए आ रहे हो, वर्क फ्रॉम होम अगर आप करते हैं तो भाई उसके लिए भी आप कॉल कर सकते हो। तो भाई लंबा जाम लगा हुआ है, पता नहीं किस रीज़न की वजह से, ऐसा कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि जाम क्यों लगा है। लो भाई लगभग आधे घंटे के जाम के बाद अब निकल रहे हैं भाई,
मैंने आपको पहले बताया था ना, इस एरिया में हमेशा जाम, तकरीबन जाम लगता ही है भाई यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बारी में एक गाड़ियाँ निकाल रहे थे, तो अभी हम, अब हमारा भाई मौका है, टाइम आया निकलने का, तो अब जाके निकले भाई। अब यहाँ से तो उम्मीद करता हूँ ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, सोलांग वैली को लगभग लगेंगे 10 से 12 मिनट, अगर ऐसा ही रहा, मतलब अगर रास्ता ट्रैफिक बिल्कुल भी ना हुआ तो। और सामने ऊपर हल्का हल्का लग रहा है भाई, शायद स्नोफॉल भी हो सकता है आज वापस से। तो भाई ये देखो, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ, ये राइट को जो जहाँ पे टेम्पो ट्रैवलर गया है, ये भी रास्ता जाता है रोहतांग पास को वाया गुलाबा होते हुए, और जो हम जा रहे हैं जहाँ पे वाया अटल टनल होते हुए, ये भी रास्ता जाता है। जैसे कि आप बहुत लोगों को पता भी होगा, अगर जिनको नहीं भी पता होता उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। और भाई आज की वीडियो से मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आज 24 नवंबर 2024 के दिन जो मनाली आ रहे हैं या फिर इसके बाद अगर आ रहे हैं, तो उनको कैसा कुछ आज मौसम रहने वाला है, और आज पूरे दिन का मैं आपको बताऊंगा कैसा कुछ मौसम है, और साथ में कितने टूरिस्ट आज मनाली आए हुए हैं घूमने के लिए। तो भाई ये देखो 24 नवंबर के नज़ारे, फेमस सोलांग वैली के आप देख सकते हो, और सामने देखो जी स्नो पीक माउंटेन्स, कितनी बर्फ़ पड़ी है कल, बिल्कुल आपके सामने ही है। देखो भाई टूरिस्ट थोड़े बहुत हैं, ज़्यादा भी नहीं है, और आज भी काले काले बादल है भाई, आप देख सकते हो टूरिस्ट यहाँ इंजॉय कर रहे हैं, और बहुत मज़ा आ रहा है भाई। ठंड काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भी, बिल्कुल भी आप देख सकते हो धूप नहीं है, फिर भी टूरिस्ट आ रखे हैं भाई घूमने के लिए, क्योंकि कल जो स्नोफॉल हुआ है बहुत मज़ेदार वाला स्नोफॉल था कल, और ठंड है भाई, अच्छी खासी ठंड है भाई यहाँ पे ना, और ऊपर तो भाई आप थोड़ा बहुत स्नोफॉल मेरे ख्याल से हो भी रहा है वहाँ पे ना। ये कुछ अपडेट है भाई सोलांग वैली का, और यहाँ पे आप रोप वे स्की सेंटर भी कर सकते हो, रोप वे भी है वो ऊपर जाता है आप देख सकते हो। तो भाई पहुँच चुके हैं अटल टनल, और आप देख सकते हो आपके सामने कल जो यहाँ पे स्नोफॉल हुआ सामने पहाड़ों पे, ये देखो भाई कितने पूरे पहाड़ बर्फ़ से ढक चुके हैं, ये देखो काफ़ी अच्छा स्नोफॉल हुआ कल यहाँ पे ना, ये देखो भाई। हाँ जी, तो लो भाई सामने कल तक बिल्कुल भी यहाँ पे बर्फ़ नहीं थी, और फाइनली स्नोफॉल देखने को मिली, और अच्छी खासी बर्फ़ पड़ गई है भाई। और भाई अभी तक तो अटल टनल और रोहतांग पास प्रॉपर ओपन है, बंद किया नहीं है, अगर आपके पास परमिट है आपके पास जाने देंगे आपको, क्योंकि जो बर्फ़ थी वो टिकने वाली बर्फ़ नहीं थी, वो पिघलने वाली बर्फ़ है, धूप वगैरह होगी तो पिघल जाएगी। बाकी आज भी हल्का हल्का मौसम बना हुआ है भाई, ठंड काफ़ी है, धूप कम निकली हुई है, ज़्यादा धूप भी नहीं है आप देख सकते हो। तो जी ये कुछ नज़ारे थे भाई 24 नवंबर 2024 के अटल टनल के, और सोलांग वैली मैंने आपको दिखाया, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको आज की वीडियो से मिली होगी मैं उम्मीद करता हूँ। तो भाई वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं, मैक्सिमम वीडियो को शेयर करिए ताकि आपके फ्रेंड्स कलीग्स को ये वीडियो पता लग सके और इन्फॉर्मेशन मिल सके उनको, कैसा कुछ मौसम है स्नोफॉल बर्फ़बारी होने के बाद मनाली साइड। और अगर आप मनाली आने का प्लान कर रहे हैं तो भाई अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर रखें, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा है, रात को जैसे कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा गिर जाता है, 0 तक चला जाता है, और दिन को मैक्सिमम 10 से 12 डिग्री टेम्परेचर होता है। तो भाई रोहतांग पास अभी बंद नहीं हुआ है, खुला हुआ है, अगर आपके पास परमिट है तो आप इजीली जा सकते हैं, क्योंकि बर्फ़ टिकने वाली नहीं थी, बर्फ़ जो थी वो अभी कल स्नोफॉल हुआ था उसके बाद अगर धूप निकलती है तो भाई वो जो बर्फ़ है वो पिघल जाती है, इसलिए बंद नहीं करते। हैवी स्नोफॉल जब होता है वहाँ पर तो बर्फ़ गिरने के बाद उसको बंद कर देते हैं, क्योंकि वो बर्फ़ टिकने वाली होती है, अभी तक तो बंद नहीं हुई भाई आप देख सकते हो। तो जी चलते हैं, आपसे अलविदा लेते हैं भाई, ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर लो, और मेरे चैनल को निखिल शर्मा व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लो भाई, आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट देते हो, बहुत मज़ा आता है वीडियो बनाने को। थैंक यू सो मच गाइज़, बाय बाय, टेक केयर।